नमस्कार दोस्तों, भारत में एक ऐसी कंपनी है जिसे आप दूसरा टाटा ग्रुप कह सकते हैं और उसका नाम है हिंदुजा ग्रुप। यह इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके कई सारे सेक्टर में बिजनेस हैं, जैसे ऑटोमोटिव में अशोक लेलैंड जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑयल एंड केमिकल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रेडिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मीडिया, इंटरटेनमेंट, पावर एंड रियल इस्टेट। हिंदुजा ग्रुप के पास लगभग $100 बिलियन का एसेट है पूरी दुनिया में और इस कंपनी का $70 बिलियन है। अब बात करते हैं कि हिंदुजा ग्रुप कैसे बनी और इसका सफलता का राज क्या है। इस कंपनी की स्थापना 109 साल पहले 1914 में परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने किया था। परमानंद जी सिंधी थे तो शिकारपुर में कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया जो आज के पाकिस्तान में है। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से परमानंद जी ईरान से कंपनी ऑपरेट करने लगे। फिर 1980 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के वजह से यूरोप चले गए और वहां से बिजनेस ऑपरेट करने लगे। सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे बिजनेस को कई सेक्टर में बढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे स्विट्जरलैंड में बैंकिंग का बिजनेस करना और गल्फ में ऑयल और केमिकल, इसके साथ ही इंडिया में ऑटोमोबाइल का। आज के वक्त में 200,000 इम्प्लॉई हिंदुजा ग्रुप में काम करते हैं। 2015 में द एशिया अवार्ड मिला। कह सकते हैं कि जैसे टाटा भारत में रोजगार देती है, वैसे ही हिंदुजा ग्रुप पूरे भारत के लोगों को रोजगार देने में सफल है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।